बच्चों एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग जो वीडियोस कर चुके हैं कंप्लीट, वो हमारे हैं, या टॉपिक हम लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं वो हमारा हो चुका है। हमने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ की एप्लीकेशन के अंदर हमने पहले गॉस लॉ से कूलम्स लॉ निकालना सीखा था, फिर हमने देखा था कि इनफाइनिटी लॉन्ग अगर लाइन चार्ज कुछ रहेगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दो कैप्सूल दिए थे, पहला कैप्सूल था थीटा 0 डिग्री लेना है, दूसरी वाली जो आपको कैप्सूल दी हुई थी वो हमने बोला था कि आपको क्या करना है टॉपिक के अंदर, एक बार फ्लक्स निकालना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से और एक फ्लक्स निकालना है ई डॉट डीएस से, दोनों को इक्वेट कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके के टॉपिक आपके बेस जो रहेंगे उसी पे बेस्ड आज हमारा है कि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है, उसकी वजह से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे आप ये मान के चलिए कि पेज है मेरे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इनफाइनाइट तो हम लेंगे नहीं, हम एक इस तरीके से प्लेन शीट ले लेते हैं। इसकी वजह से हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए दीवार पे रखी है, इस पर रखी हुई है, पूरी दीवार है यहाँ पे, उसमें से मैंने इस पोर्शन की वजह से निकाला, इस ये पोर्शन चार्ज है। जैसे अगर इसमें चार्ज होगा तो इस तरीके से इसकी सरफेस पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, चाहे वो यहां हो चाहे वो यहां होगा। अगर मैं ऐसे रखता हूं तो आपकी तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें निकल के आ रही होंगी और मेरी तरफ को भी निकल के आ रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से इस सरफेस से उधर को जा रही होंगी, आपकी तरफ को, इधर वाली सरफेस से मेरी तरफ को आ रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों साइड जा रही होंगी। तो अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं, देखिए इस तरीके से ये सीट बना दी, ये प्लस 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 ले लिया मैंने यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन ये भी होगी और उसकी डायरेक्शन यहाँ पे आपका इस तरीके से इधर को भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये वाले भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दोनों अपोजिट सरफेसेस की वजह से होंगी। अब हमने क्या करना है, गॉसियन सरफेस बनानी है। गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे कैसे लेके चलते हैं, ये देखिए हम लोग यहाँ पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना देते हैं। हमें इसके लिए गॉसियन सरफेस बनानी है, वो हमने ये बना दी। अब उस गॉसियन सरफेस के अंदर दो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू ले लेते हैं। दो सरफेस हो गई, पी वाली हो गई, क्यू वाली। फिर क्या करते हैं, पी वाली का एक छोटा सा एरिया ले लो डीएस, डीएस की डायरेक्शन भी ये होगी, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, यहाँ से भी आपका ई वेक्टर है और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ई वेक्टर और डीएस वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ और यहाँ आपकी सेम है, तो ये कैसा आपका इनफाइनेटली चार्ज्ड प्लेन सीट होगी, ठीक है, इनफाइनेट डायमेंशन है इसका, फिलहाल हमने इस तरीके से ले लिया है, ठीक हो गया। और जो सिलेंडर लिया हुआ है, इस सिलेंडर का ये भी एरिया ए है और इधर वाला जो एरिया है ये भी आपका ए है। तो हमने कहा कि लेट अस कंसीडर इनफाइनेटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन सीट, ठीक है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा यहां पे देखो, लेट अस ड्रॉ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अराउंड इट। आपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस निकाल दी, तो फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस अगर आप निकालते हैं तो वो हो जाएगा आपका फाई इक्वल टू फाई पी
प्लस फाइव क्यूब। फ्लक्स इस P वाले से प्लस फ्लक्स आपको निकालना है Q वाले से। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट ds, इंटीग्रेशन कर दिया, टोटल निकालना, ये P लिख देता हूँ और यहाँ पे आपका E डॉट ds और यहाँ पे Q लिख देता हूँ। कैप्सूल याद आ जाएगी कि दोनों की एंगल जीरो होता है, तो यहाँ पे देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल जीरो हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ई डी एस cos 0 प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस cos 0। अब cos 0 कितना होता है आपका, 1 होता है, यहाँ भी cos 0 1 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, क्या आ जाएगा देखो, यहां से EDS प्लस इंटीग्रेशन EDS, ठीक है। E आप लोग बाहर ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका DS और यहाँ भी E बाहर ले लो, यहाँ जाएगा आपका DS आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन DS इक्वल टू एरिया ऑफ ये वाली जो साइड है इसका हो जाएगा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख दो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, और वो हो गया आपका ए हो गया, ठीक है। तो आपके पास फाई कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ई ए प्लस ई ए, कितना ई ए हो गया, फाई इज इक्वल टू टू ई ए। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, फ्लक्स निकल गया आपके आपका फाई इक्वल टू टू ई ए हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ से क्या होता है, फाइ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो 2EA इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका, 2EA इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या हो जाएगा देखिए, इक्वल टू हो जाएगा आपका बच्चों q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इसको q बाई a लिख दीजिए, इनटू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। अब हमें ये देखना है थोड़ा सा कि q बाई a हमारा क्या चीज होती है, अगर हमें q बाई a पता चल जाए तो फिर हमारा काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। देखिए Q बाई ए जो होता है वो होता है आपका सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एरिया है तो एरिया के लिए सरफेस लाइन होती तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाती, तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला निकल गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, देखिए मैंने पेज तब से हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, मैं चाह नहीं रहा था इसको शुरू में ख़राब करना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे इस तरीके से बाहर को निकलेगी, ठीक है। तो ये पेन की डिप आपकी तरफ दिख रही है, ये हो गया, चाहे ये दिख रहा है कि दोनों साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने, अब इनफाइनाइट डायमेंशन का इतना बड़ा डायमेंशन है इसका, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए हमने ये ले लिया इस तरीके से, हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो होगा क्या, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहीं से तो जाएगी, इधर से आपकी तरफ को आ रही है, इधर से मेरी तरफ को आ रही थी, तो अब टोटल क्या करना है, आपने एक तरफ P ले लेना है, एक तरफ Q ले लेना है, इधर का फ्लक्स फाइव P, इधर का फाइव Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा होगा, इस एरिया की डायरेक्शन भी बाहर को होगी ना, परपेंडिकुलर होता है दोनों की डायरेक्शन सेम। यहाँ वाले में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ को आ रहा है और एरिया की डायरेक्शन भी आपकी तरफ को आ रही है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। यहाँ भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी तरफ आ रही है, एरिया की डायरेक्शन भी आपकी तरफ आ रही है, तो थीटा 0 हो गया। तो यहाँ पे ईए होगा, यहाँ पे भी ईए होगा, तो ईए कितना हो गया 2EA हो गया। और फाई, अब जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करते वक्त तो बहुत फटाफट करना है आपने, आपने कहा फाई इक्वल टू ईए, फाई इक्वल टू ईए, तो ईए कितना हो गया आपका 2EA हो गया। तो 2EA में आपने क्या करना है, रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2EA और फिर फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इक्वल रखेंगे तो ये रिलेशन निकल के आएगा। और क्यू बाई ए को सिग्मा बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसमें लिखा, तो इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका
फाइनल आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए।